सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से ता हयात ना अहली के खिलाफ दरख्वास्त एतराजात लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक ता हयात ना अहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला दे चुका है। एसबीसीए ने एतराजात के खिलाफ अपील का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईन के आर्टिकल F-162 के तहत कानून साजों की ताहयात नाअहली को चैलेंज करने वाली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दायर दरखास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कई एतराजात उठाते हुए आईनी पटिशन को वापस कर दिया है। जरा ने बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक ये मामला पहले ही बड़ी बेंच के 5 जजों ने तय कर लिया है। इसी तरह दरखास्त गुजार के लॉक्स स्टैंड पर भी एतराज उठाया गया है। ताहम वकला का इदारा एतराजात के खिलाफ अपील दायर करने पर गौर कर रहा है। उन एतराजात का जवाब दे के और हम तवक्को करते हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसको सारी चीज को कंसिडर करेंगे तो इंशाल्लाह। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि आर्टिकल F-162 के तहत नाअहली का इतलाक इंतखाबी तनाजे की सूरत में होना चाहिए। इस आर्टिकल में सादिक और अमीन की तशरीह के तहत साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पैनामा पेपर्स केस में 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नाअहल करार दिया था। PGI रहनुमा जहांगीर तरीन को भी अदालत उज़्मा के अलग बेंच ने इसी शिक के तहत नाअहल करार दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।